हेलो, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉन्ट्रैक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनएलयू से आ रखे हैं और आपके क्लैट एग्जाम से आ रखे हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस करे थे। बेसिकली वो सारे ही पैराग्राफ फॉर्म के क्वेश्चंस थे, और वो करने से आपका ये फायदा हो जाएगा कि अगर आप जब एग्जाम में बैठोगे आपको समझ लग जाएगा कि आपको पैराग्राफ को पढ़ने के साथ साथ समझना कैसे है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस आपकी उस पैराग्राफ को समझने की जितनी देर तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, जो आपका लीगल प्रिंसिपल है वो क्या पॉइंटर्स बता रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वॉइड। तो बेसिकली यही से समझ आना कि जो आपका पैराग्राफ है वो वॉइड के ऊपर बात कर रहा है। पहली बात हमने क्या समझनी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो आपको मेरी वीडियो से पता ही है हम कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर जब आपके एज सच फॉर्मेट आता है तब आपको समझनी है छोटी छोटी बातें। ओके, तो पहला ये कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है। दूसरी बात आप क्या समझोगे कि यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जो है बात वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वॉइड। अब देखो, पूरी लाइन को समझो। ये कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कैसे बनेगा। कैन बिकम वॉइड व्हेन इट इज अनफेयरली वन साइडेड, इट गोज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट्स सब्जेक्ट मैटर इज इलीगल, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इट अनफेयरली रिस्ट्रिक्ट्स वन साइड्स एक्शन सच एज राइट टू वर्क, वन ऑफ द पार्टीज इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द बेसिक कंडीशंस व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इट इज नॉट इनफोर्सेबल। ओके जी, नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए, इन्होंने आगे जो डिस्कशन करी है सेकेंड पॉइंटर में, उन्होंने उन पॉइंट्स की बात करी है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो जाता है। ओके जी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट टू पे प्लेंटिव फॉर इंड्यूसिंग अ पब्लिक ऑफिशियल टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। अब देखिए, कहते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो आपके वॉइड हो जाएंगे और वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी करके वॉइड कहलाए जाएंगे जब आपका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो बाय द डिफेंडेंट टू पे प्लेंटिव। अब देखिए, ये कोई केस की बात हो रही, सूट की बात हो रही है जिसमें इन्होंने डिफेंडेंट और प्लेंटिव वर्ड जो है यूज करा है। आप वही के वही समझ जाना कि यहाँ पे अगर प्लेंटिव और डिफेंडेंट वर्ड यूज करा हुआ है तो वो जो है आपका सूट की बात कर रहा है। ऐसे पार्टीज लिख देते वो, ठीक है ना। तो अगर प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट आया तो मीन्स सूट की बात कर रही है। अब आपको पता है जो आपका सूट होता है वो ऐसे होता है, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट। ओके जी, नाउ अब ये क्या बात कर रहे हैं, डिफेंडेंट टू पे द प्लेंटिव फॉर इंड्यूसिंग अ पब्लिक ऑफिशियल टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। अब आप किसी को कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लो इंड्यूसिंग अ पब्लिक, किसी पब्लिक ऑफिशियल को बोलो कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये काम करके देना है इन अ सर्टेन मैनर। सो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो कह रहे हैं दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बिकॉज पब्लिक ऑफिशियल्स आर सपोज टू वर्क फॉर द पब्लिक। आप उनको कोई ऐसा काम दे दो जो उनके अगेंस्ट हो, तो बट ऑफ कोर्स ही बात है पब्लिक ऑफिशियल की वो ड्यूटी के अगेंस्ट होएगा। दैट इज वाई दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन और कॉल्ड टू बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी, नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन इलीगल एक्ट। इन आपको पता है कुछ ऐसा एक्ट की आपस में पार्टीज की बात हुई है जो कि इलीगल है विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं आपके वो इलीगल करके अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो जाते हैं। नाउ जी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कलूसिव बिडिंग कंटेम्पलेट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पब्लिक। तो ये बिडिंग वाले कुछ बातें करी हुई हैं, कलूसिव बिडिंग। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो आपके जो है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो जाते हैं। नाउ अब हम चलते हैं फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स
क्या कह रहा है, बी आर इंडस्ट्रीज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ड्रिल्स मशीन्स पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स दे आर ऑफ एंड अ परचेजर ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क फ्रॉम अदर सप्लायर्स वॉन द बिड फ्रॉम द एचएल के कंपनी टू सप्लाई सर्टेन पार्ट्स टू इट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। अब देखिए जी, एचके कंपनी थी, एचएलके कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने एक बिड लगाई थी जो आपका बीआर इंडस्ट्रीज जो थी वो वॉन कर गए थे, ओके जी, और एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर उन्होंने जो थे अपने कंपोनेंट्स जो थे प्रोवाइड करने थे। फिर अब उन्होंने लिखा है वो सब कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। उन्होंने बीआर इंडस्ट्रीज ने आगे क्या करा, बीआर इंडस्ट्रीज देन कॉन्ट्रैक्टेड विद सू कंपनी टू सप्लाई द पार्ट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मच लोअर प्राइस। अब इन्होंने आगे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एसयू कंपनी को दे दिया था, ठीक है जी। अब हम आगे के पॉइंट समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं, बीआर इंडस्ट्रीज देन कॉन्ट्रैक्टेड विद सू कंपनी टू सप्लाई द पार्ट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मच लोअर प्राइस। बीआर इंडस्ट्रीज देन इंटेंडेड टू कीप द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इट बिल्ड द एचएलके कंपनी एंड द अमाउंट एसयू कंपनी चार्ज्ड फॉर द पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है देन इंटेंडेड टू कीप द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इट बिल्ड द एचएलके कंपनी। अब इन्होंने क्या करा, एक डिफरेंस क्रिएट करा। अब जो बिडिंग में जो उन्होंने अमाउंट जीती है, जितने अमाउंट में उन्होंने बिडिंग जीती है, वही अमाउंट का जो बिल था एचएलके कंपनी के लिए रख दिया और एसयू को कंपनी से चार्ज फॉर द पार्ट्स के लिए अलग बिल बनाया, ठीक है। नाउ बीआर इंडस्ट्रीज इनिशिएटेड एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सू कंपनी फेल्ड टू कंप्लीट द ऑर्डर इन इट्स डिफेंस। सू कंपनी असर्ट्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बिकॉज डिफेंडेंट टर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 84.09% ऑन एनविल्स, 39.13% on holder primers, 68.33% on plunger supports. Anvils आपके ये होते हैं, ठीक है जी, तभी मैंने पिक्चर इंसर्ट करी थी। और उसके बाद होल्डर प्राइमर्स होते हैं, जो आपके होल्डर प्राइमर्स इजी वे आप देख सकते हैं, जो होल्ड करते हैं आपके कुछ मशीनरी पार्ट्स को वो होते हैं, और जो प्लंजर सपोर्टर्स भी वही होते हैं जो आपके मशीनरी की सपोर्टर्स के लिए जो प्लंजर्स यूज करे जाते हैं, ओके जी। नाउ डिड प्लेंटिव रिसीव टू मच कंपनसेशन डीमिंग इट अनकॉन्शियसेबल एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अब आप इस बात को समझिए, अब इन्होंने अगर इतना सारा प्रॉफिट गेन करा है, वो अपनी बिड को अच्छी तरह से उन्होंने यूटिलाइज करके अपने प्रॉफिट्स करे, फिर आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो उनकी दिमाग की बात है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था बीआर का एचएलके के अगेंस्ट या सू के अगेंस्ट वो वॉइड था, बिकॉज इट इज अगेंस्ट। ये सू कंपनी क्या कह रही है कि प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ऐसी बात हो सकती है, प्रॉफिट्स तो कई बार ही, अब आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें वो बताते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट्स हो जाता है, इतना प्रॉफिट हो जाता है। सो सच थिंग्स डज लाइक डू यू थिंक दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी? नो, इट इज नॉट। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। What are your options? The contract is void as against public policy, as it is the contract that contemplates collusive bidding on a public contract. तो हमने जो था यहाँ पे point पढ़ा था कि a contract is void as against public policy if it is a contract that collusive bidding contemplates contract on a public. ठीक है ना, कुछ ऐसा bidding का हो जाए जो कि कंटेम्पलेट कॉन्ट्रैक्ट हो ऑन अ पब्लिक, बट ऐसा इस केस में तो हमें नहीं दिख रहा कि समथिंग इज कंटेम्पलेटिंग अगेंस्ट द पब्लिक सच बिडिंग। बिडिंग यहाँ पे हुई है, एचएलके ने करवाई है, जो बीआर ने विन करी, ठीक है जी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट अनफेयरली वन साइडेड। यू कैन यू सी दैट हेयर इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट? नो, नॉट एट ऑल। हेयर कॉन्ट्रैक्ट वॉज इक्वली परफॉर्म। एचएलके ने बिडिंग करी करवाई, जो बीआर ने विन करी, बीआर ने आगे एसयू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो पार्ट सप्लाई करने का। सो वी कांट से इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। एंड दिस ऑप्शन हियर बिडिंग डज नॉट कॉन्टेम्पलेट्स
ऑन अ पब्लिक, मीन्स यू कैन से इट इज नॉट अगेंस्ट, सच बिडिंग वॉज नॉट एट ऑल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. ओके नाउ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिजनेसमैन एट आर्म्स लेंथ विदाउट फ्रॉड विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज जो भी उनकी कंसिडरेशन हुई है उससे उनको जितने प्रॉफिट्स हुए हैं दैट आर विदाउट फ्रॉड, राइट. अब एच एल के और बी ए आर का कुछ हुआ है, बिलिंग उन्होंने अलग अलग करने को बोली है, बट दैट इज नॉट फॉर द फ्रॉड पर्पज, बट दैट इज फॉर द बिडिंग पर्पसेज. जो उनकी बिडिंग हुई है, जो आपके पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है, दैट बी आर इंडस्ट्रीज देन इंटेंडेड टू कीप द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इट बिल्ड द एच एल के कंपनी एंड द अमाउंट सू कंपनी चार्ज फॉर द पार्ट्स बिकॉज फॉर देयर यू नो बिजनेस गेन्स, जो इन्होंने बाद में बोला कितने गेन हो रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. ओके, आप बेसिकली इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, एक बायर है ठीक है और एक सेलर है. अगर आगे एक और पर्सन है, जो आपकी इतनी सारी आजकल ऑनलाइन यू नो शॉपिंग हो रही होती है, उनके मेन वेंडर्स होते हैं. ओके, उनका एक कोई मेन वेंडर होता है जो सप्लाई करता है कम रेंज का. मान लो कोई चीज है आपको 500 की थी, आपने आगे आपका ऑनलाइन पेज है, आपने इसको आगे अपने कस्टमर को सेल करना है, आपको वो चीज मिल रही है 500 की, क्या पता इसको इससे भी सस्ती मिल रही हो, वो भी अपना कमा के आपको बेचते हैं. आप उसको आगे, मान लो आपने 700 का अपने कस्टमर को भेज दिया और आपने 200 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, ये चाहे सिर्फ 50 का कर रहा हो, दैट इज इमटीरियल, बट यू बाय यूजिंग योर ओन ब्रेन एंड यू नो यूटिलाइजिंग योर ओन टैक्स एंड टेक्निक्स, आप उनसे इतना पैसा कमा रहे हो. तो इज इट अ रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट? इज इट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी? नो, कस्टमर चाहे तो वो भी एज ए वेंडर से डायरेक्ट ले ले अगर उसको मिलता है तो. ठीक है जी, तो यहाँ पे अब ये तो नहीं ना हम कह सकते कि ये फ्रॉड है. कई बार जो वेंडिये होते हैं ना, वो उनको कह भी देते हैं बिलिंग कितने की कर दे, करते हैं. ठीक है ना. सो रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिजनेस मैन एट आर्म्स लेंथ विदाउट फ्रॉड विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ डी ऑप्शन, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिजनेस मैन विल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज इट अमाउंट टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड अनकॉन्शियसेबल. ये ऐसा पॉइंटर मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं चलेंगे ऐसे पॉइंटर्स. अब्यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, ये दैट इज इमटेरियल अंटिल एंड अनलेस योर कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इट इज नॉट डन विद एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट हैज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, और इट इज नॉट डन अंडर द फ्रॉड. When all these conditions which are mandatory for the contract, when these conditions are fulfilled, then your contract is considered to be a valid contract. Okay, so here C will be your right option. Let us see the answer. Yes, C is your right option. Now, the plaintiff sue company asserted that the contract is void as its provisions are against the public policy. However, relative values of the consideration in contract between businessmen without fraud or misrepresentation by intention not affect the validity of the contract. अब उन्होंने अब ऐसी figures रखी थी अपने contract में, जिन्होंने HLK के साथ BER का जो bidding हुई थी उस according billing करवाई थी, ठीक है, जबकि Sue company से उनको कम मिल रहा था. Does it amount to fraud? No, not at all. ओके, तो यही बात जो है यहाँ पे समझा रहे हैं आपको. ओके, सच कॉन्ट्रैक्ट्स डज नॉट अमाउंट दैट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. ओके, नाउ हेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बीआर इंडस्ट्रीज एंड सू कंपनी इज वैलिड एंड बीआर इंडस्ट्रीज कैन इनिशिएट एन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सू कंपनी फेल टू कंटेम्पलेट द कंप्लीट द ऑर्डर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लीगल प्रिंसिपल्स ऑफर, अब इसी में देखो आपको क्वेश्चन भी समझ आना है, ऑफर की बात हो रही है, प्रपोजल की बात हो रही है, आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है. कॉन्ट्रैक्ट में कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ऑफर एंड प्रपोजल का.
ओके, मेड बाय वन पर्सन टू अनदर टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज द प्रोमिसर और ऑफरर, एंड द पर्सन टू होम एन ऑफर इज मेड इज नोन एज द प्रोमिसी और द ऑफरी. ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू बीइंग फॉर बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर. अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऑफर को समझाया हुआ है कि ऑफर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद जो देता है ऑफर करता है उसको ऑफरर बोलते हैं, जिससे होता है उसको ऑफरी बोलते हैं, वैसे प्रोमिसर और प्रोमिसी बताया हुआ है. ओके जी, फिर इसके बाद उन्होंने इसमें एक्सेप्टेंस की बात करी हुई है कि अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन टू बींग बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर वेन द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज कंसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड इन द पार्टीज एट आर एट कंसेंसस एट आइडियम व्हिच, व्हाट डज इट मीन. मैंने क्वेश्चन कराया है आपको इसका कंसेप्चुअल, इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स. कई बार ये आपको ऐसे भी आ जाता है, कई बार आता है व्हाट डज मीटिंग ऑफ माइंड्स मीन, मींस यू आर कंसेंटिंग इन द सेम सेंस एज ऑफर इज बीइंग गिवन टू यू. सो देयर्स, देखो आपको किसी ने ऑफर करा, बट उसकी भी वही इंटेंशन होनी चाहिए जो आपकी इंटेंशन है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की. सो देयर शुड बी द मीटिंग ऑफ माइंड्स. अंटिल एंड अनलेस मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं लगेगा कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उसकी वैलिडेशन पे असर पड़ता है. ओके, सो कंसेंसस एट आइडियम जो आपका ये मैक्सिमम टाइप है, तो इसको कैसे समझना है, इट मीन्स मी देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. नाउ लेट अस सी द फैक्ट्स. इन दिसंबर 2019 अ कन्विक्टेड मर्डरर हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ रमेश अ प्रिजन ऑफिशियल. अब देखिए, एक कन्विक्टेड मर्डरर था हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, नाउ दैट पर्सन ही एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द रमेश हु इज अ प्रिजन ऑफिशियल. रमेश लेटर ऑफर्ड अ रिवार्ड ऑफ इंडियन रुपीज 50,000 टू एनी वन हु कैप्चर्ड द फुगेटिव एंड रिटर्न हिम टू द अथॉरिटीज इन जनवरी 2020 विदाउट नॉलेज और नोटिस ऑफ द रिवार्ड सुनील कैप्चर्ड. अब देखिए यहाँ पे आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन जनवरी 2020 विदाउट नॉलेज और नोटिस ऑफ द रिवॉर्ड, उनको रिवार्ड की नॉलेज नहीं थी सुनील को, तो सुनील ने कैप्चर कर दिया उसको एंड टुक हिम टू रमेश जेल हाउस. रमेश रिफ्यूज्ड सुनील्स डिमांड फॉर द रिवार्ड मनी, ठीक है. सुनील फाइल्ड अ केस अगेंस्ट रमेश टू रिकवर द रिवॉर्ड. रमेश अलेजेस दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रमेश एंड सुनील. अब देखिए, जो रमेश ने रिवॉर्ड का दिया था, व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज दैट. अब आपको उस बात को समझना, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट सेल्फ, इट वॉज अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि कोई भी उसके साथ इन जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता उसको वो फुलफिल करना था, ठीक है. अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस के ऊपर. ऑप्शन इसका क्या कह रहा है, अ मेयर ऑफर और प्रॉमिस टू पे डिड नॉट राइज गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, रादर द सेंट और मीटिंग ऑफ टू माइंड्स गिव राइज टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इट वाज नॉट कंप्लीट अंटिल द ऑफर वाज एक्सेप्टेड having notice or knowledge of the existence of the reward when he captured the fugitive is essential to his right to recover the reward offered by the Ramesh. अब देखिए, मैंने आपको यहीं पे ही अंडरलाइन करवाई थी लाइन, विदाउट नॉलेज और नोटिस ऑफ द रिवॉर्ड, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि फॉर एक्सेप्टेंस टू कंसिडर इट टू बी अ वैलिड वन देयर शुड बी द मीटिंग ऑफ. अब देखिए, अगर सुनील को पहले ही पता होता कि रमेश ने ऐसा कुछ डाला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी उसने रखा हुआ है कि ऑफर कर रखा है कि जो उसको ढूंढ के लाएगा मैं उसको 50,000 दूंगा, अगर सुनील को इसकी नॉलेज होती तब हमने कहना था कि हाँ जी उसको नॉलेज थी, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करा, तो दैट इज वाई वो उसको रमेश की प्रिजन में लेके आया था मर्डरर को. बट यहाँ पे
सुनील को तो कुछ पता ही नहीं था, अनलेस उसको कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं करी, तब हम कैसे कह दें कि यहाँ पे कि रमेश और सुनील के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? आप कह सकते हो, देखिए आप ना गेन मैं बता रही हूँ, फैक्ट्स हैं सच, अपने लेमेन की तरह माइंड यूज नहीं करना है। प्रिंसिपल्स देखो, प्रिंसिपल में आपके कंसेंसस एड आइडियम की बात हुई हुई है, बेसिकली वो उन्होंने पॉइंट करा हुआ है कि आपको फैक्ट में ये चीज देखनी है कि नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो आप ये समझो, आपके फैक्ट्स में कहीं पे भी आपको ये दिख रहा है कि देयर वाज अ मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन सुनील एंड रमेश? डू सुनील नो बिफोर कि हाँ जी रमेश ने ये ऑफर दे रहा है दिया था? नहीं पता ना। सो देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, हैज नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट वाज फॉर्मड बिटवीन द टू पार्टीज। सो हियर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन, दैट अ मेयर ऑफर ऑफ प्रॉमिस टू पे डिड नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी द मीटिंग ऑफ माइंड्स, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन, द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग द फुगेटिव वाज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर और रिवॉर्ड, देखो थ्रू कंडक्ट एंड ऑल्स दिस डजंट मैटर हियर। व्हाई? बिकॉज एक्सेप्टेंस तभी होनी थी अगर उसको उस चीज का रिवॉर्ड का पता होता। वो जस्ट उसको लेके उसने पकड़ा दिया, उसके रिवॉर्ड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, बाद में वो कहने लग गया। सो इट डजेंट अमाउंट टू, इट डजेंट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर। ओके, नाउ देयर वाज एन ऑफर बाय रमेश एंड एक्सेप्टेंस बाय सुनील एंड इट इज इमटीरियल व्हेन सुनील हैड नोटिस और नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिवॉर्ड व्हेन ही कैप्चर्ड द फुगेटिव। दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज नो डाउट देयर वॉज एन ऑफर बाय रमेश एंड एक्सेप्टेंस उसकी तभी होनी थी अगर उसको सुनील को नॉलेज होती। अगेन वही बात आपको बार बार समझा रही हूँ, मीटिंग ऑफ माइंड्स आप चेक करो हर अपने ऑप्शन में, क्योंकि ये पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चन में दे रखा है, आपको ऑप्शंस में चेक करनी है ये बात लग रहा है, बिकॉज यू हैव टू टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको तो सारे ऑप्शन सही लगेंगे, बट जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है, जो फैक्ट्स कह रहे हैं, आपको वही ऑप्शन जो है चूज करना होता है। ओके, नाउ सच एन ऑफर लाइक द रिवॉर्ड हियर कुड बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु परफॉर्म द सर्विस कॉल फॉर व्हेन द एक्सेप्टर नोज दैट इट हैज बीन मेड एंड एक्ट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ इट। ये पॉइंट आपको लगेगा कि ठीक है, बट यहाँ पे ये क्यों गलत है? अगेन मीटिंग ऑफ माइंड्स का चेक करो। हमने बेसिकली वो ही पॉइंट को ढूंढना है जो आपका लीगल प्रिंसिपल में दिया है, वो फैक्ट्स पे देखना है अप्लाई कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके जी, सो हियर ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नाउ लेट अस सी द आंसर, ए इज योर राइट आंसर। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। इन द गिवन केस सुनील वाज अनअवेयर अबाउट द रिवार्ड ओवर द फुगेटिव प्रिजनर। नाउ रमेश रिफ्यूज सुनील्स डिमांड फॉर द रिवार्ड मनी। रमेश वॉज राइट एट हिज प्लेस एज मेयर ऑफर प्रॉमिस टू पे डिड नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। रादर द असेंट और मीटिंग ऑफ टू माइंड्स गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इट वॉज नॉट कम्प्लीट अंटिल द ऑफर वॉज एक्सेप्टेड। इफ सुनील हैड नोटिस और नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिवार्ड व्हेन ही कैप्चर्ड द फुगेटिव इज एसेंशियल टू हिज राइट टू रिकवर द रिवार्ड ऑफर्ड बाय रमेश। अंटिल अनलेस उसको नॉलेज होती, उसको पता होता, हाँ जी मुझे रिवॉर्ड मिलना है, वो आके पहली बात ये बोलता, फिर उसको पकड़ाता, तब हमने कहना था यस देयर वाज अ मीटिंग ऑफ माइंड, देयर वाज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, दैट इज व्हाई ही हैज कंप्लीटेड दिस टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो ये आपको छोटी छोटी बातें जो है अपने क्वेश्चंस में नोट करनी है, ध्यान देना है, तभी आप अपने क्वेश्चन को यू नो सॉल्व कर पाओगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्लैट का क्वेश्चन है, ये पहले आपका यस सच पैराग्राफ दे रखा था, ठीक है? तो इन्होंने इसमें क्या बताई है? इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ दैट पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। यस, ऐसे कहते कोई आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हो आप? एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हो? टू मेक इट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अंटिल एंड अनलेस आपने उसकी इनफोर्समेंट ही कहीं पे नहीं कराई है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, बिकॉज उसका मेन पॉइंट क्या होता है एग्रीमेंट का, कि उसमें इन्फोर्समेंट लानी। इन्फोर्समेंट कैसे आएगी? कोर्ट के थ्रू आएगी। सो क्या एसेंशियलिटी आ गई आपकी कि आपको कोर्ट को वहां पे रखना ही होगा, ठीक है? बेसिकली कहते हैं जहां पे एक्सेप्टेंस हुई है वो आपकी ज्यूरिस्डिक्शन बन जाती है,
अनलेस ऑलरेडी पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्री डिसाइडेड ज्यूरिसडिक्शन ना रखी। ठीक है, तो पहली लाइन आपकी ये कह रही है कि पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब कहते कोई पार्टीज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसमें वो कहें कि कोई भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। ओके, नाउ सच अ कॉन्ट्रैक्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड कंट्रवीन सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखियो, हमने करा था जब हमने कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कर रहे थे, तब हमने रिस्ट्रेंट्स पढ़ी थी इसमें, रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड एंड रिस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स। ओके, नाउ हाउएवर वेयर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कन्फर ज्यूरिसडिक्शन ऑन वन अमंग्स मल्टीपल कोर्ट्स हैविंग प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर कोर्ट्स, द पार्टीज कैन नॉट बी सेड टू हैव आउट द jurisdiction of all courts. Such a contract is valid and will bind the parties to a civil action. Section 28 agreements in restraint of legal proceedings void every agreement. अब देखिए, उन्होंने ये बात बोली है कि कुछ मल्टीपल कोर्ट डिसाइड कर लिए, उसमें से आपने एक कोर्ट को डिसाइड कर लिया, दूसरी को नहीं लिखा, तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको एक कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। तो यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और विच द लिमिट द टाइम विद इन विच ही मे दस इन्वोक। ये हमने पॉइंट पढ़ा था कि आप टाइम लिमिट भी नहीं लगा सकते हो। आपको लिमिटेशन एक्ट जो है, आपका जो लिमिटेशन एक्ट है, उसमें वो बताते हैं कि कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ है, उसका कि लिमिटेड पीरियड टाइम होता है कि इस पीरियड के दौरान आप सूट फाइल कर सकते हो। अगर वो टाइम बार हो गया तब आप उसके अगेंस्ट जो है एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे इसी पॉइंट की बात करी है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात लिखी है जहाँ पे वो आपको टाइम बार कर रहे हैं टू फाइल द सूट, तो ऐसी जो चीजें होंगी वो अगेंस्ट हो जाएंगी लीगल प्रोसीडिंग्स के, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपके वॉइड बन जाते हैं, एग्रीमेंट्स आपके वॉइड हो जाते हैं। ओके, नाउ which extinguishes the rights of any party thereto or discharges any party thereto. अब देखिए, जहां पे आपके राइट एक्सटिंग्विश हो जाए या पार्टी से कोई डिस्चार्ज कर दे फ्रॉम एनी लाइबिलिटी अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड सो एज टू रिस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स इज वॉइड। बेसिकली जहां पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपके राइट्स को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, आपको अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जहां मतलब बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सको, वैसे कॉन्ट्रैक्ट वो कह रहे हैं एग्रीमेंट्स आपके वॉइड हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो दो पॉइंटर्स हैं उन्होंने वो बात करी है कि कब आपका रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब खारिज। ओके, नाउ पार्टीज कैन नॉट बाय एग्रीमेंट कॉन्फर ज्यूरिसडिक्शन ऑन अ कोर्ट विच लैक्स द ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट। देखिए, कहते हैं ना पार्टीज बाय एग्रीमेंट कोई ऐसी ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं लगा सकते किसी कोर्ट का, मतलब कि पार्टीज आपस में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम पर्टिकुलरली इस कोर्ट पे जाएंगे जहाँ पे उनका एडजुडिकेशन बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बोला हुआ है, उन कोर्ट विच लैक्स द ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट नाउ but where several courts would have jurisdiction to try the subject matter of the dispute, they can stipulate that a suit be brought exclusively before one of the several courts to the exclusion of other. वो ही point यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है इन्होंने, आप by agreement basically आप अपनी theory के लिए भी ये point समझो कि आपका कोई agreement हो रहा है, parties आपस में ऐसी court का नहीं लिख सकते जहाँ पे वह मैटर आपका सुना ही ना जा सके, जहाँ पे आपका एडजुडिकेट ही ना हो पाए मसला। ठीक है, बट कहते अगर आपके पास तीन चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जो है अपना कर सकते हो, अपना मैटर लेके जा सकते हो, आपकी ज्यूरिसडिक्शन वहां पे फॉल करती है, ठीक है, बट आप कह दो कि इन सारे कोर्ट्स में नहीं, हम पर्टिकुलरली इसी कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास कह रहे हैं तीन चार ऑप्शंस हैं, कैसे बनते हैं बेसिकली, पार्टी जिस शहर से हो तो वो ऑप्शंस बन गए जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हो, तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जहां पे आपका सामान जाना,
ठीक है, तो ऐसे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली मेन मुद्दा क्या है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं हुई हुई, तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन वही बनेगी जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ। हमने इसके क्वेश्चंस भी करे हुए हैं कि मुंबई से दिल्ली फोन जाता है, फिर फोन दोबारा दिल्ली से जाता है, तो दिल्ली में एक्सेप्टेंस हुई है तो दिल्ली आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जबकि सामान वो पुणे में जाना था। ठीक है, तो अगर आपका डिसाइडेड नहीं है तो आपका दिल्ली बन जाएगा। अगर आपने पहले डिसीजन लेना है तो आपके पास अब इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आप एक्सक्लूसिवली एक कोर्ट डिसाइड कर लो कि जी हम पुणे वाले कोर्ट में ही जाएंगे। दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर लिया ये ऐसा पॉइंट आपका वैलिड माना जाएगा, एटलीस्ट वन कोर्ट तो है और यहाँ पे आपका ज्यूरिसडिक्शन फॉल भी कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली फॉर योर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऐसे देखो, पैराग्राफ तो उन्होंने बना दिया, वही बात दोबारा लिखी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई, साथ साथ मैंने आपको पहले भी समझाया था, अपना रफ वर्क स्टार्ट कर देना। ए मुंबई का है, बी अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। नाउ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इन दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट हो गया है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस पार्टली इन मुंबई एंड पार्टली इन दिल्ली। दोनों की मुंबई दिल्ली में ऑलमोस्ट काम चल रहा है। ठीक है, देयर इज अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी द कोर्ट्स इन कोलकाता वुड हैव द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट के लिए इन्होंने कोलकाता चूज करा है, अपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ये बात। अब ए एंड बी एग्री टू द सेड क्लॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट ओवर चॉइस बिटवीन टू प्रॉपर प्लेसेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। नाउ मुंबई एंड दिल्ली, इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने ये समझना है, इन्होंने अपने एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल दिया है जहां पे इन्होंने डिसाइड कर लिया ये वाला क्लॉज कोलकाता, और एग्री भी कर लिया उन्होंने। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है कि क्या स्टेटमेंट्स ट्रू फाइंड करनी है, कौन सी है। तो चलते हैं, द क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब देखिए, हमने जो पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में कि वहां पे अपना मैटर डालिए जहां पे इनकी ज्यूरिसडिक्शन लाई करती है। अगर आपके पास सेवरल ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे मुंबई दिल्ली है, तो इन दोनों में से आप एक चूज कर लो, वो चलेगा। बट वहां पे मत जाओ जहां पे आपका एडजुडिकेट मतलब मैटर लाई कर ही नहीं रहा, कोलकाता लाई कर रहा है ना, इनका सामान जा रहा है ना, हम यहाँ लिखा है पार्टली ट्रांजेक्शन भी नहीं हो रही, तो कोलकाता तो बिल्कुल ही अलग आ गया। तो क्या कहेंगे कि जो इन्होंने ये क्लॉज डाला है रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, जो आपका पॉइंट वहां लिखा था, द क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट, ये गलत है। द क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज वैलिड एज ए एंड बी हैव म्यूचुअली एग्रीड। देखो, एग्री उन्होंने चाहे कर लिया बट इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है फॉल नहीं करती है। द क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज वैलिड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है, नाउ लेट अस सी द आंसर, ए इज योर राइट आंसर। नाउ लेट अस सी इट्स एक्सप्लेनेशन, द क्लॉज रिलेटेड टू ज्यूरिसडिक्शन इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इट इज गिवन इन सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स एन अग्रीव्ड पार्टी फ्रॉम इंपोजिंग हिज राइट्स टू अप्रोच अ रेलेवेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लिमिट्स द टाइम विद इन व्हिच ही मे डू सो इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ओके, अब उनकी ज्यूरिसडिक्शन जो थी वो दिल्ली या मुंबई में लाई करती थी, तो ये बात आपको याद रखनी है, आपके क्लैट के पेपर का यही क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ए अ रेजिडेंट ऑफ चेन्नई, ए चेन्नई से है, बी बेंगलुरु से है, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस पार्टली इन चेन्नई एंड पार्टली इन बेंगलुरु। देयर इज अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे अगेन क्लॉज आ गया है कि
ए एंड बी में कोई डिस्प्यूट होगा, द कोर्ट्स ऑफ चेन्नई वुड हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। अब इन्होंने चेन्नई डिसाइड करा है जहां का ए रेजिडेंट है, ठीक है। टू डिसाइड द डिस्प्यूट ए एंड बी एग्री टू द सेटल इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट ओवर द चॉइस बिटवीन द टू प्रॉपर प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन चेन्नई एंड बेंगलुरु इन द गिवन सिचुएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने फाइंड करनी है कि ट्रू कौन सी है। देखो यहाँ पे समझो ये वैलिड है बिकॉज इट इज नॉट अगेंस्ट द रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना। द क्लॉज दैट इज इन नो बिल्कुल भी नहीं, द क्लॉज दैट इज वॉइड बिल्कुल भी नहीं, द क्लॉज दैट इज रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड एज ए एंड बी हैव म्यूचुअली एग्रीड टू द सेम, ठीक है। ये पॉइंट भी द क्लॉज दैट रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड एज कोर्ट्स इन चेन्नई हैव, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो म्यूचुअली एग्री ये पॉइंट इतना आपका सही नहीं है, म्यूचुअली एग्री करा है कि नहीं, क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्या आपसे डिस्कस कर रहा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल क्या डिस्कस कर रहा है आपका, रिस्ट्रेंट और लीगल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। तो आपको जो अपना आंसर है वो भी उस अकॉर्डिंग देना है कि आपको ये चेक करना है कि चेन्नई इज अ वैलिड जुरिसडिक्शन और नॉट। यस इट इज बिकॉज ए इज रेजिडेंट ऑफ चेन्नई एंड बेंगलुरु का बी है, तो चेन्नई जो है आपका एक वैलिड बनती है जुरिसडिक्शन। ओके सो हियर डी इज योर राइट आंसर। यस लेट अस सी द सॉल्यूशन। द क्लॉज लेटर जुरिसडिक्शन इज अ वैलिड एज कोर्ट्स इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट द कोर्ट्स इन चेन्नई विल हैव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्लॉज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। ए आपका आगरा का है, बी भुवनेश्वर का है। एंटर इंटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड, ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस पार्टली इन आगरा एंड पार्टली इन भुवनेश्वर। देयर इज अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, आपको यहाँ पे समझना है ए एंड बी में डिस्प्यूट, नाइदर ऑफ देम कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ और टेक रिकोर्स टू एनी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट इन द गिवन सिचुएशन। यही समझो, ऐसे मैंने आपको अभी समझाया है, आप आपस में कोई ऐसा क्लॉज बना ही नहीं सकते कि जिसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इन्फोर्स कराओगे। यही कह रहे हैं कि आप कोई कोर्ट अप्रोच ही नहीं कर सकते, तो यही के यही ये क्लॉज आपका इनवैलिड है। ओके जी, इट इज नॉट वैलिड। नाउ द क्लॉज रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शन इज नॉट वैलिड इट इज इन द रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लॉज रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शन इज नॉट वैलिड इज द क्लॉज इज वे, देखो वेग एंड एम्बिगियस ये आपके लॉ के लिए वर्ड सही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेग एम्बिगियस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर लीगल लैंग्वेज फॉर द क्वेश्चन पर्टिकुलरली। नॉट वैलिड तो तक तो ठीक है, बट वाई, बिकॉज इट इज रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, नॉट बिकॉज इट इज वेग। ओके जी, नाउ दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। द क्लॉज इज रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड, नॉट एट ऑल वैलिड, जहां वैलिड आ गया वही समझना, इट इज नॉट एट ऑल वैलिड। ओके नाउ द चॉइस ऑफ इधर पार्टी, द क्लॉज रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन इज वैलिड, नॉट एट ऑल वैलिड, सो हियर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस सी द आंसर, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसका सोल्यूशन क्या कह रहा है, द क्लॉज रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन इज नॉट वैलिड एज इट इज, द क्लॉज रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन इज नॉट वैलिड एज इट इज द रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर एंड देखिए कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लियर है, अनएम्बिगियस है, बट क्लॉज इज नॉट वैलिड। Since the choice of jurisdiction is nullified and any court is not assigned as per the clause, therefore option B, C, D are not true. Okay, ji. Now let us see the next question. That is your fourth question for this particular paragraph. Now, A, a resident of Ahmedabad. अब A है अहमदाबाद के, B है रांची के। ये pointers याद रखने हैं आपको, कहाँ जहाँ पे भी आता है रफ वर्क में चाहे लिखो चाहे उनको सर्कल करो, ये आपके हाईलाइट होने चाहिए क्वेश्चन। इस बात तो आना भी ऑफलाइन है आपका। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस पार्टली इन अहमदाबाद एंड पार्टली इन रांची। क्लॉज 6 ऑफ द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट राइजिंग बिटवीन ए एंड बी विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट दे कैन अप्रोच अ कोर्ट इन आइदर अहमदाबाद और रांची एज बोथ आर प्रॉपर प्लेसेस फॉर ज्यूरिसडिक्शन और टेक रिकोर्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू सेटल द डिस्प्यूट। ये पॉइंट आपका ठीक है, क्या कहोगे आप? सिक्स क्लॉज कह रहे हैं उन्होंने, ये पॉइंट दिया है, बट इसमें आपको क्या बात समझनी है,
इसमें इन्होंने टाइम की बात कर दी है, बाय विद इन 6 मंथ्स वो नहीं जा सकते। और हमने क्या पढ़ा था, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आपको टाइम फ्रेम नहीं रख सकते, विच विल बार इट। ओके, सो ये जो इन्होंने पॉइंट डाल दिया है वो गलत डाल दिया है, बाकी सब सही है। विद इन 6 मंथ्स नहीं डालना चाहिए था। ओके, क्लॉज 7 देखते हैं क्या कहता है। क्लॉज 7 ऑफ द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट राइजिंग बिटवीन ए एंड बी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट्स इन चेन्नई वुड हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए इन्होंने चेन्नई की बात कर दी, चेन्नई का तो यहाँ आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, तो आप क्या समझोगे क्लॉज 6 आपका और क्लॉज 7 गलत है ना, इनके एग्रीमेंट का वॉइड है ना, बिकॉज पहले इन्होंने 6 मंथ्स की बात कर दी, अब इन्होंने ऐसे की बात कर दी कि राइजिंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स जब वो एंटर कर जाएंगे चेन्नई जाएंगे। चेन्नई का तो अहमदाबाद रांची की जो जरिस्डिक्शन बनती है, चेन्नई की तो बनती भी नहीं है टू एडजुडिकेट द मैटर। ओके जी, सो हियर 6 क्लॉज एंड 7 क्लॉज बोथ आर वॉइड। ओके, नाउ लेट अस सी विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लॉज 6 इज वॉइड एंड क्लॉज नो बोथ आर वॉइड, मान वैलिड वॉइड वैलिड, हियर वॉइड इज योर राइट ऑप्शन, दोनों ही गलत हैं। देखो बहुत इजी आपके क्वेश्चंस आए हैं, 6 मंथ्स डाल दिया, अब टाइम फ्रेम नहीं डालना और जो जिक्शन डाल दी वो भी नहीं डालनी, दोनों आपके जो हैं वॉइड हैं। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है, इजी। ओके, नाउ लेट अस सी द आंसर, हियर डी इज योर राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन समझो, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डीम्ड वॉइड इफ द एग्रीमेंट इज नॉट इन इनफोर्सिबल एज इट वॉज ओरिजिनली रिटन। इन सच इंस्टेंसेज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व एग्रीमेंट्स दैट आर ईदर इलीगल इन नेचर और इन वायलेशन ऑफ फेयरनेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ सम कोर्ट्स एंड दे कैन नॉट मेक चॉइस ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो कहते हैं आपको 6 मंथ्स तक तो वो इन्फोर्स ही नहीं करवा रहे थे, आप कोई इन्फोर्स कैसे होगा, इन्फोर्स क्यों करते हैं हम, सो दैट आप लीगल रेमेडी ले सको ड्यूरिंग द डिस्प्यूट ड्यूरिंग द कंफ्लिक्ट। उसका उन्होंने टाइम बार कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना फिर वो, ठीक है ना, जिसकी इन्फोर्समेंट पे रोक लगा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में भी डीम्ड वॉइड इफ द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल, उन्होंने 6 मंथ्स का टाइम बार कर दिया इसको, ठीक है, जब ओरिजिनली बना। इन सच इंस्टेंसेज वॉइड एग्रीमेंट इन्वॉल्व एग्रीमेंट्स दैट आर आइदर इलीगल इन नेचर और इन वायलेशन ऑफ फेयरनेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, अ डिस्प्यूट हो गया 6 महीने पहले वेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सो सच क्लॉजेज वर वॉइड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इजी वन, लेट अस सी। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट मेक अ चॉइस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, इज दिस अ ट्रू। देखिए, पार्टीज कैन मेक अ चॉइस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन बट ओनली इफ दे आर दे हैव सेवरल ऑप्शंस, सो कैन नॉट वाला एज सच होली इट इज नॉट ट्रू। ओके, अब जैसे हमने कितने क्वेश्चंस पढ़े, दिल्ली रांची दोनों का था, दोनों ने सोचा हम दिल्ली कर लेंगे, ठीक है, तो दे हैव द चॉइस, बट ऐसे किसी और को चूज करना दे हैव नॉट द चॉइस, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट, सो इट इज नॉट ट्रू। पार्टीज कैन नॉट बाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड, यस दिस इज द ट्रू, दे कैन नॉट एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट्स। ओके, पार्टीज कैन बाय कॉन्ट्रैक्ट कन्फर ज्यूरिसडिक्शन ऑन नो नॉट एट ऑल, किसी भी कोर्ट पे नहीं लगा सकते अनलेस उनकी ज्यूरिसडिक्शन वहां पे फॉल कर रही है। पार्टीज कैन बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश देयर राइट्स नॉट एट ऑल, यहाँ ये पॉइंट आपका आगे पैराग्राफ में भी लिखा हुआ था, दैट दे कांट, बेसिकली दे कैन नॉट एक्सटिंग्विश देयर एनी राइट्स बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है टू प्रोटेक्ट योर राइट्स टू टेक द लीगल रेमेडी, सो हियर बी इज योर राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन ओनली ऑप्शन बी इज ट्रू एज इन कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कैन नॉट एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट्स, रेस्ट ऑल द 3 ऑप्शंस आर फॉल्स एज पार्टीज आर नॉट गिवन द चॉइस of jurisdiction, parties cannot by contract confer the jurisdiction of any court, the law, last option that is parties can be contract extinguish their rights under any contract is also false. Okay ji, so that's all in today's lecture, I hope आपको आज अच्छे से लीगल प्रोसीडिंग्स का
इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस करे आपके ऑफर एक्सेप्टेंस के, वो सारे समझ लग गए होंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट के। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, जो कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम एंड में आपको करवा देंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो वेरी मच।